तो सभी का स्वागत है इस चैनल की एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो पे हम लोग बात करेंगे बिल्डर हॉल 10 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिल्डर हॉल 10 के अपडेट के बारे में इस आज की वीडियो में फुल डिस्कस करेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करेंगे। होप आप लोग इस वीडियो को पूरी लास्ट तक ज़रूर से देखना, क्योंकि काफ़ी सारा मैंने लीक्स जो कलेक्ट किया है गाइस सुपर सेल के ऑफिशियल वेबसाइट से, और काफ़ी सारा लीक्स मुझे इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। तो गाइस मैं आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखोगे, मुझे यही उम्मीद है। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो गाइस क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और गाइस बाजू वाला बेल आइकन को भी दबा देना है, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है कि सुपर सेल बिल्डर हॉल 9 का अपडेट आज से करीब 2 साल पहले दे दिया है, लेकिन अभी तक बिल्डर हॉल 10 के अपडेट अभी तक नहीं आया है, और बिल्डर बेस में इतना अपडेट नहीं आया है पिछले 2 साल से। तो गाइस इस साल गाइस पूरी गाइस प्रेडिक्शन है हमारी, प्रोबेबिलिटी है गाइस कि बिल्डर हॉल 10 या फिर गाइस कुछ बिल्डर हॉल में बिल्डर बेस में मेजर अपडेट आ जाए, जो कि आपको सुन के काफ़ी खुशी होगा। तो गाइस आज की वीडियो में वही बात करेंगे सभी के चीज़ें गाइस, बिल्डर हॉल बिल्डर बेस में आप लोगों को कौन सा अपडेट देखने को मिल जाएगा। और गाइस ये सोता मोता अपडेट नहीं है, ये ह्यूज अपडेट है, काफ़ी बड़ा अपडेट है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ गाइस लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो गाइस लाइक कर देना, और लाइक करने से क्या होता है, लाइक कर देना मोटिवेशन मिलता है। तो गाइस अभी हम बात करते हैं गाइस बिल्डर हॉल 10 के लेके डेरियन सासा ने क्या बोला। तो डेरियन सासा ने यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, डेरियन सासा ने खुद एक अपनी ऑफिशियल पेज पे एक गाइस पोस्ट लिखा है गाइस, आप लोग देख सकते हो। मैं आपको ट्रांसलेशन करके भी दिखाऊंगा गाइस, ये हिंदी में, पहले आप लोग को इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूँ गाइस, कुछ लोगों को शायद समझ में ना आए इसलिए मैं हिंदी में भी बोल लूँगा उन्होंने क्या बोला है। और गाइस देख लेना, प्लान्स फॉर बिल्डर हॉल 10 एटलीस्ट नॉट फॉर ए व्हाइल, प्लीज डू नॉट टेक दैट एज ए नोट नोशन दैट वी हैव गिवेन अप ऑन इट, फार फ्रॉम इट, बट द टीम वुड लाइक टू सिट डाउन एंड रियली डिस्कस हाउ वी वांट द बिल्डर बेस टू मूव फॉरवर्ड इन द फ्यूचर एंड इट्स ओन डिस्टिंक्ट इवोल्यूशनरी पार्ट। We would very much like to add some competitive elements to it, but doing a multi-day clan war types. तो इसका मतलब उन्होंने ये बताया है कि बिल्डर हॉल 10 अभी तक प्लान नहीं किया है, लेकिन गाइस आ सकते हैं इस साल गाइस, अगले साल या फिर इस साल आ सकते हैं, लेकिन एक मेजर अपडेट गाइस बिल्डर हॉल में ज़रूर देने वाला है। लाइक जो हमारे मेन विलेज में क्लैन वार होता है, वार खेल सकते हैं हम बिल्डर बेस में भी, ऐसा कुछ वार खेल सकते हैं, वार सिस्टम होगा या फिर क्लैन वार लीग भी बिल्डर हॉल के लिए आ जाएगा, बिल्डर बेस के लिए वो सिस्टम भी आ जाएगा, क्लैन वार लीग या फिर क्लैन वार ये सिस्टम भी आ जाएगा। मुझे नीचे कमेंट करके बताओ क्या आपको लगता है कि आ गया, और गाइस आपको कैसा लगेगा अगर आ जाता है तो गाइस वो जो वार सिस्टम बिल्डर बेस में। तो गाइस नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपनी भाई को पूरी जो सपोर्ट ज़रूर से दिखाना, कैसे दिखाना, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर दिखाना। फॉर नाउ वी हैव बीन फोकस्ड ऑन द होम विलेज एंड हैव बीन फॉर द पास्ट ईयर while we did release builder hall 8 and builder hall 9 since 2018 the efforts to focus on the home village have resulted in clan games season challenges operation blue skies clan war leagues TS12 and the upcoming december update as a result class is in a better place than it's ever been. The number of returning players has been climbing and the amount of daily activity going on is higher. Khatam. Bye bye. Tata. Goodbye. Gaya.